केवल सत्संग। जय माता दी, जय तम देवी चामुंडे, जय भूतार्धहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सबसे पहले सभी सनातन बंधुओं को, सनातन संस्कृति के प्रेमियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और कोटिशा आशीर्वाद। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुभारंभ हो रहा है। हम लोगों के लिए, हमारे सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही उल्लास का दिन नवरात्रि। वर्ष में चार नवरात्रि आती है, दो गुप्त नवरात्रि होती है और दो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। तो इस बार 7 तारीख से, यानी कि आज से नवरात्रि का जो आरंभ हो रहा है, ये प्रत्यक्ष नवरात्रि और उसमें शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आज से हम लोग शारदीय नवरात्रि को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। 9 दिन माता की 9 प्रतिमाओं का, 9 रूपों का दर्शन करके, पूजन करके उनको प्रसन्न करेंगे, उनके व्रत को धारण करेंगे। इस शारदीय नवरात्रि में माता के 9 रूपों का हम लोग विशेष पूजा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि के इस व्रत को हम आरंभ कैसे करें, कब हम कलश स्थापन करें, कब हम इस पूजा को शुभारंभ करें, कब इसकी पूर्णाहुति करें, किस दिन कौन सी पूजा करें, कैसे करें, ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है और कहीं ना कहीं लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ये केवल सच के द्वारा ये कहने को मिल रहा है, आप लोगों के पास तक ये बात पहुंच रही है। इसके लिए मैं ब्रजेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो 7 तारीख को सुबह हम लोग 6 बजे के बाद से और 8 बजे के पहले कलश स्थापन करेंगे। पीतल के कलश को बनाएंगे, या बहुत सारे लोग होते हैं आम जनमानस में मिट्टी की गगरी को ला करके मिट्टी के कलश को स्थापित करते हैं, उसमें गौ गोबर का लेपन करते हैं, जौ आदि का भी रोपण करते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में हम लोग कलश स्थापन करते हैं, अखंड ज्योति का भी निर्माण करते हैं और माता की विशेष पूजा को आरंभ करते हैं। पूजन करने के लिए कुछ सामग्री की भी आवश्यकताएं होती हैं। हम लोग लाल वस्त्र, चंदन, रोली, अच्छत, धूप बत्ती, दीप, प्रसाद, नैवेद्य, फल आदि चीजों को रख करके हम लोग पूजन कार्य को भी करते हैं। तो आज का जो दिन है नवरात्रि का प्रथमा, नवरात्रि की प्रतिपदा, तो आज के दिन हम लोग पूजा माँ शैलपुत्री की करते हैं, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की होती है, इसीलिए इसका नाम ही नवरात्रि पड़ा है और नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन हम लोगों को मिलता है। बड़ी सुंदर बात संत ने लिखी भी है कि प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेत कुष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंध मातेत सप्तम कत्यायनीत चा, सप्तम काल रात्रेत महागौरेत चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि 9 देवियों की होती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तीसरा चंद्र घंटा का, कुष्मांडा का। इसी प्रकार से हम लोग 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो आज हम लोग माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय की बेटी है। इनकी कथा भी हम लोगों को बड़े विस्तार के साथ में मिलती है और कहीं कहीं हम लोगों को वर्णन भी मिलता है। रामचरितमानस भी एक बार आप लोग देखिए, वहां भी मिलेगा कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा, जन्मी जाई हिमाचल गे हा। हिमालय के यहाँ जाकर के पुत्री के रूप में जन्म मिला, शैलपुत्री कहलाई और आज का जो दिन है ये भी माँ शैलपुत्री का है। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो आज हम लोग माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे। माँ शैलपुत्री का जो वाहन है वो वृखभ है। तो आज हम लोग अपने मन में ये धारणा बना करके कि माँ शैलपुत्री वृखभ पर आरूढ़ होकर के, वृखभ पर सवार होकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए उपस्थित है। तो आज से हमारी पूजा नवरात्रि की आरंभ होगी। मैं नवरात्रि को सबको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ और इस केवल सच चैनल के लिए, माननीय ब्रजेश मिश्र उरुवार के लिए, जो कि अपने रात्रि और दिन को एक करके संयम पूर्ण हमारी सनातन संस्कृति कहीं विलुप्त ना हो जाए, सनातन संस्कृति जो छिपती भी जा रही है उसके नए नए स्तंभ को स्थापित करने के लिए, उजागर करने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे बिहार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ साथ भारत में जगह जगह स्थान पर रह रहे
सनातन बंधु और भारत से बाहर भी विदेश में भी रह रहे हमारे सनातन संस्कृति के अनुयायियों के लिए मैं बहुत बहुत कोटि सा बधाई और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जय कम देवी चामुंडे, जय भूतार्धहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि, नमोस्तुते।